सादर जय जी ईश्वर। जय भैया सुरेश जी, हम लोग तो आपस में पारिवारिक रिलेशन भी हमारा है, लेकिन मैंने जहाँ तक आपके परिवार को जाना है और पहचाना है, आप लोगों ने पाठ परंपरा के लिए बहुत कार्य समाज में किए हैं। जैसे यहाँ का कम्युनिटी सेंटर का भी आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया, और उसके अलावा भी आपकी बहुत ही आस्था है। इस समय प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है अम्बाला में, मंदिर जी बनने जा रहा है, गुरुदेव का मूर्ति स्थापित होने जा रही है अम्बाला में। तो ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे गुरुदेव साक्षात कई विहार करके, लंबा विहार करके वापस आने वाले हैं। तो ऐसा एक कार्यक्रम बना हुआ है, इसमें क्या कि भगतों के भाव उमड़ रहे हैं इस कार्य में। तो मैं आपको भी रत्नाकर भगत भी समझता हूँ, पाठ पढ़ का आज धर्मेंद्र महाराज साहब का भी आपको भगत समझता हूँ। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे गुरुदेव के बारे में? अच्छी बात है उनका। एक छोटे भाई का केस था, वो भी उन्होंने क्लियर किया, और दूसरा माता पद्मावती का मतलब पूजन था, 3.5 घंटे बैठकर उन्होंने कराया था, हमारा सारा परिवार बैठा था, वो आज तक द्वारा नहीं हो सका। 3.5 घंटे गुरुदेव स्वयं बैठे? स्वयं गुरुदेव ने बैठकर कराया था। अच्छा, इधर पहला हुआ था जब एटा पद्मावती माता का प्रतिष्ठा के बाद, जब माता पद्मावती की प्रतिष्ठा भी सुनता लगा, वो बोली लेकर हमारे परिवार की ओर से था। 3.5 घंटे गुरुदेव ने खुद आप कराया, सारा आप पाठ बोले हैं, मेरे पास फोटो भी है, सब कुछ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा गुरुदेव को बोला, वो था वो मैं, हम लोगों ने भी इतने पूजन पाए, लेकिन गुरुदेव इतना लंबा तो बैठते नहीं है, विधिकार करते काम, तो गुरुदेव आते हैं बीच में। आप खुद कराया, और हमारे छोटे भाई के पैरों में छालके थे। अच्छा। गुरुदेव ने वहाँ राजपुरे बुलाया था, उनको बोलो मैं जानता हूँ, तू जानता हूँ, जो काम बोला तुम करिया, उससे वो ठीक होगा। गुरुदेव के तो बहुत उपकार। रात में नींद नहीं आती थी, ये चक्कर था उसका, वो सब उनकी कृपा से ठीक हुआ गुरुदेव का। तो आप ये जो मंदिर अम्बाला में बनने जा रहा है, और बहुत मेहनत हो रही है इसके ऊपर। लास्ट जब गुरुदेव की 50 साल था, मुंबई में 50 साल था, तो उन्होंने ना उधर हमारे जीजाजी को बोला कि उनकी गैरहाजिरी लग रही है, वो आ नहीं रही 3 वाक्य आप लोगों की, हमारी 3 संक्रांति मतलब के नहीं लगी। तो वो उस संक्रांत में हम दोनों भाई गए थे, मैंने भी सीट बुक कराई हुई थी, वो संक्रांति मंडल थ्रू गए हुए थे हम दोनों भाइयों को, वहीं पर उन्होंने 3 महीने बाद देखा, सब बुक था उस समय, हमारा था बहुत कुछ। गुरुदेव अपने भक्तों को बहुत स्नेह करते थे, चाहे ऊपर से वो दर्शाते नहीं थे, लेकिन अंदर से वो स्नेह पूरा रखते थे, पूरा ख्याल रखते थे कि मेरे भक्त को कोई परेशानी ना हो किसी भी तरह की, ये सब बातें। जैसा संत नहीं हो। और कोई विशेष आपको कोई याद हो गुरुदेव की कोई बात? आपने तो बहुत सेवा की है उनकी, और तकरीबन जहाँ भी जाते थे वहाँ चक्कर लगता था, चक्कर लगता था, चक्कर लगता। बहुत अच्छा सुरेश जी, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और अब अम्बाला भी आप जाओगे तो देखोगे कि ऐसे धर्मेंद्र गुरुदेव ऐसे ही हो रहे हैं, वैसे उनका भी वही रुतबा, वही चीज, बिल्कुल वही हो रहा है। यही मैं बताने जा रहा था कि उनका बनना है। जब हम देखते हैं ना गुरुदेव की एनर्जी लेवल, देखो ना कहाँ सियालकोट से पाकिस्तान से चल के कलकत्ता पाशर दादा के दरबार में जाके वापस अयोध्या जी में जाके वापस अम्बाला में, वही रुतबा इनमें आ गया। बिल्कुल सही बात है ये तो। चलो, बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके मन के उद्गार जागृत हुए, और हमने गुरुदेव को याद किया आपसे बात करके, बहुत हृदय से धन्यवाद। और अम्बाला आप समाधि मंदिर में जो प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, तो आप जरूर विशेष तौर पर वहाँ पर आइए, ठीक है, और अपने परिवार सहित आइए। थैंक यू, धन्यवाद।